ये गाड़ी के ड्राइवर हैं और इनको मैं किराया दे रहा हूँ, यहाँ किराया ड्राइवर को ही देना होता है, कंडक्टर नहीं होता, तो ये मुझसे किराया नहीं ले रहे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग। आज 29 सितंबर है और मेरा आज चेचनिया में 7वां दिन है और आखिरी दिन है। सुबह के 8:30 हुए हैं और आज शाम तकरीबन 4:30 बजे मैं चेचनिया से वापस चला जाऊंगा। दिल तो नहीं कर रहा जाने को, लेकिन जाना पड़ेगा। तो आज शाम की वापसी है, अभी 8:30 हुए हैं, कुछ टाइम है, तो मैंने सोचा इस टाइम को इस्तेमाल कर लिया जाए। आज मैं किधर जा रहा हूँ, अगर आपने मेरा पहला व्लॉग देखा है जब मैं मास्को से चेचनिया आया था ट्रेन में, तो मेरे साथ एक फैमिली थी, चेचन फैमिली, जो यहीं की ग्रोजनी की रहने वाली थी, तो उनके साथ मेरी काफ़ी गपशप लग गई थी। और फिर उन्होंने मेरे से नंबर ले लिया था मेरा, उनके बेटे के साथ, छोटा था, उसके साथ मैं ताश खेलता रहा, उनके साथ खाना भी शेयर किया, उनका खाना खाया, बल्कि शेयर नहीं किया। तो मैंने उनको बताया था मेरा फ्राइडे तक फोरम है, उसके बाद मैंने वापस चले जाना है। रात उन्होंने मुझे कॉल की, वैसे कहाँ हो, वापस चले गए हो, पहुँच गए वापस अपने घर? तो मैंने उनको बताया नहीं, फोरम ख़त्म हो गया था 2 दिन पहले, लेकिन मैं वापस नहीं जा सका। मेरी टिकट है जो वो इतवार की, मैं यहीं होटल में रह रहा हूँ। तो वो नाराज़ हो गए मुझसे कि तुम होटल में क्यों रह रहे हो, तुमने हमें क्यों नहीं बताया, हमारे घर क्यों नहीं आए। रात के 9 बज रहे थे तो उन्होंने कहा नहीं, हम अभी गाड़ी भेज रहे हैं, तुम हमारे घर आओ, हमारे मेहमान बनो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आ सकता इस वक्त, तो थोड़ा सा वो शहर से बाहर रहते हैं, कोई टाउन है गोइते नाम का। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम सुबह भेज देंगे गाड़ी। मैंने कहा अच्छा, मैं सोचता हूँ, सोच कर आपको बताऊँगा। उन्होंने कहा सोचना नहीं है, लाजमी आना है हमारे घर। फिर मैंने उनको कहा ठीक है, आप गाड़ी ना भेजें, मैं खुद आ जाता हूँ। तो मैं फिर सुबह उठा, सुबह अभी मैं सोया हुआ था तो उनकी कॉलें आने लग गई, हम आ रहे हो या हम गाड़ी भेजें, क्या करना है। तो फिर मैंने कहा अच्छा मैं आता हूँ खुद ही। मैंने हॉस्टल के एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा मैंने इस गांव में जाना है, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक जगह है वहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं गांव के लिए, बस स्टैंड नहीं है वैसे, कोई और जगह है, तो अब मैं उधर जा रहा हूँ, वहाँ से गाड़ी लूँगा पैदल। कोई उन्होंने कहा 10 मिनट का सफ़र है, आप जा सकते हो गाड़ी तक, वहाँ से गाड़ी बैठ के उस गांव में जाऊँगा, ज़्यादा देर नहीं रुकना, जल्दी वापस आना है क्योंकि मेरी ट्रेन है आज की। तो मिलते हैं फिर आगे जाके। मैं तकरीबन 20 मिनट की वॉक के बाद यहाँ एक छोटा सा बस स्टैंड है जहाँ पहुँच गया हूँ, जहाँ से उस कस्बे के लिए गाड़ियाँ जाती हैं। यहाँ एक मार्केट है, वो मार्केट को यहाँ रीनक कहते हैं, यहाँ की ज़बान में, रशियन ज़बान में रीनक का मतलब मंडी कह लें, बाज़ार जहाँ सस्ती चीज़ें बिकती हैं सुबह सुबह, यहाँ वो है मंडी। साथ उसके पीछे ये एक छोटा सा बस स्टैंड है जहाँ जो ग्रोजनी के सबर्ब हैं, टाउन वगैरह, वहाँ के लिए गाड़ियाँ जाती हैं। तो एक गाड़ी खड़ी है उस गांव के लिए, उससे मैंने बात की है, वो कहता है अभी आधे घंटे तक गाड़ी जाएगी और आधे घंटे का सफ़र है। और मेरे जो होस्ट हैं उनसे मैंने बात करवा दी है इनकी, तो उसने बता दिया कहाँ उतरना है, इसको कहाँ उतारना हो, कहता मैं लेने के लिए आ जाऊँगा। तो अभी वेट कर रहा हूँ, उसने मुझे फ्रंट सीट दे दी है।
गाड़ी के ड्राइवर हैं और इनको मैं किराया दे रहा हूँ, यहाँ किराया ड्राइवर को ही देना होता है, कंडक्टर नहीं होता, तो ये मुझसे किराया नहीं ले रहे, ये कह रहे हैं कि तुम मेहमान हो। अब मैं क्या करूँ, मैंने उसको बहुत कहा है कि किराया ले लो। किराया नहीं ले रहे भाई, वो कह रहे हैं तुम मेरे मेहमान हो, जो मेरे मेहमान हैं वो मुझे लेने आ गए थे, ये मेरा दोस्त है अमीन, तो ये अपने ग्रैंडफादर के साथ आए हैं मुझे लेने के लिए बस स्टैंड पे। तो ये इनका गांव है, ये टाउन है जो छोटा सा, और अब हम इनके घर जा रहे हैं यहाँ से। तो ये मेरे से पहले बस स्टैंड पे आए खड़े थे, एक छोटा सा बहुत खूबसूरत सा गांव है। ये मैं अपने दोस्त के घर पहुंच गया और ये उसके दोस्त मुझे मिलने आए, सारे उसके क्लास फेलोज हैं, और ये उसके फैमिली है, उसके दादा अबू और उसके अंकल, और अब हम काफ़ी पीने लगे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, इनसे गपशप लग रही है पाकिस्तान के बारे में। हम खाने के टेबल पे आ गए हैं और जो चेचनिया का एक ट्रेडिशनल फूड है चायपल, ये एक पराठा टाइप है और इसमें वो पनीर है डला हुआ, बहुत ही मज़ेदार है। और एक इसके साथ है फिंगल, फिंगल अष्टोत्तम मनोत्री तिकवा, तिकवा मुझे भूल गया किस चीज़ को कहते हैं रशियन में। और ये मेरे होस्ट हैं, हम किस किचन में बैठ के खाना खा रहे हैं, अभी वो कह रहे हैं कि एक है खाना, इसके बाद एक और होगा, अभी शुरू करते हैं। मैं अपने होस्ट के साथ बैठा हूँ और ये मुझे अपने सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं, स्कूल के सर्टिफिकेट बहुत सारे हैं इसके पास, दिख ये इसको फर्स्ट क्लास में मिला था, ये पेरेंट्स की तरफ से है, ये भी स्कूल से मिला हुआ है, ये भी ये इंग्लिश लैंग्वेज का मिला हुआ है इसे सर्टिफिकेट, बहुत सारे हैं इसके पास, अच्छा स्टूडेंट है ये, अभी फोर्थ क्लास में है ये। और ये इसका 2017 के न्यू ईयर पे सांता क्लास, ये मॉडल मॉर्टल, यहाँ के लोग स्पोर्ट्स को बहुत लाइक करते हैं और ये खुद खेलता है जूडो। और ये इसके क्लास के साथ ग्रुप फोटो, फर्स्ट क्लास के साथ। मेरे जो होस्ट हैं ये अपने घर में ये घड़ियां बनाते हैं, इनकी वो पीछे साइड पे एक छोटी सी शॉप है और ये मेटल की घड़ी बनाते हैं, इनके घर में ऐसी कई लगी हुई हैं, मैंने देखी हैं तो बहुत ही प्यारी लग रही है मुझे ये, तो ये घर में बना के और सेल करते हैं, बहुत ही खूबसूरत आर्ट वर्क है इनका, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और ये हैं वो साहिब जो के बनाते हैं घड़ियाँ। गांव घूम के वापस आए हैं तो मेरे होस्ट ने कहा है कि खाना तैयार है, और एक दोबारा फिर मेरे होस्ट, ये उनकी वालदा हैं, ये मोहम्मद अमीन जो मेरे दोस्त हैं, ये उनकी ग्रैंड मदर हैं। और खाने में हमारे पास चेपाक ये मकई के आटे से बनी हुई है, ये और कुछ ये गंदम के आटे से बनी हुई है, और ये जो है ये गव्या दीना यानी के कीमा है उसका, गाय के गोश्त का है, और साथ चिकन है, बहुत बड़ा खाना है। और न्याम, न्याम। हम सारे
मैं इस फैमिली का मेंबर बन गया हूँ। मुझे आंटी कह रही है कि मुझे बहुत अच्छा लगा है कि तुम हमारे घर आए हो और तुम्हें चाहिए था काफी दिन के लिए आते लेकिन मुझे जाना है अभी। कह रहे हैं जब नेक्स्ट टाइम आओ तो सीधा हमारे पास आना और काफी दिन के लिए रहना।